टेस्ट वन ये है क्लास टेंथ का, ये सब्जेक्ट साइंस वन है जो कि पूरी तरह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है। इसमें आप जो है पूरा जो इंग्लिश और मराठी मीडियम में दिया हुआ था सब सारे प्रश्नों को मैंने सारे क्वेश्चंस को हिंदी में ट्रांसलेट किया है और उसके आंसर को भी हिंदी में यहाँ पे लिखकर पूरा कंप्लीट वीडियो है। तो फ्रेंड्स काफ़ी टाइम लगा है, मेहनत लगी है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और उन फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें अभी हिंदी मीडियम में ये जो है पूरा आंसर नहीं मिला है और वो परेशान हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरा नाम विभू मिश्रा है और मैं आपका जो है स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल बेसिक क्लास में। इसमें और भी क्लास के 8वीं 9वीं और 10वीं के साइंस के जो है आपको ये मिल जाएंगे, ब्रिज कोर्स यानी कि सेतु अभ्यास का टेस्ट। तो आज मैं इस टेस्ट वन में पहला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को एक वाक्य में हल करें, कोई पांच, मतलब टोटल 8 दिया हुआ है, उन 8ों में से केवल 5 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। ये 5 नंबर के लिए है लेकिन मैंने 8ों का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको इन 8ों में से जो आंसर पसंद आए या जो इजी लगे या जो आपको जिसमें इंटरेस्ट आपका ज़्यादा हो वो आप 5 लिख सकते हैं, ठीक है। नॉलेज के लिए मैंने पूरा दे दिया है, जिसमें पहला पॉइंट दिया है कि ध्वनि से क्या तात्पर्य है। तो ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना का निर्माण करती है, ये ध्वनि की परिभाषा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। संवेग या मोमेंटम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी SI और CGS में इकाई बताइए, यूनिट बतानी है आपको। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, किसी पिंड में समाविष्ट गति के संपूर्ण परिणाम को उस पिंड का संवेग कहते हैं, ठीक है। गति का जो परिणाम हो, संपूर्ण जो परिणाम होता है उसको क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। संवेग की SI इकाई, मतलब SI में यूनिट इसकी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है कि ग्राम मीटर पर सेकेंड। और CGS की इकाई, मतलब कि संवेग की CGS में जो इकाई होती है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहले प्रश्न के तीसरे सब उप प्रश्न पर आते हैं, सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया, परमाणु के नाभिक में कौन से कण मौजूद होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं, सबसे सेंटर में P और N होता है, ठीक है फ्रेंड। चौथे प्रश्न पर आते हैं, जो क्या दिया है कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले प्रत्येक अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों के नाम लिखिए, मतलब डेली लाइफ में हम ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो अम्लीय और क्षारीय हैं उनके नाम लिखना है। तो देखिए अम्ल जो होता है वो HCl है, जो हमारे पेट में ही आमाशय में जिसका निर्माण होता है, जो डाइजेशन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, पाचन की प्रक्रिया में। और क्षार में आता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एक और एग्जाम्पल दिया है कि टूथपेस्ट जो है एक क्षारीय होता है जो हमारी जो है ब्रश करते समय हम जो है क्या करते हैं, अपनी क्लीनिंग करते हैं दांतों की, क्योंकि लार थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है तो ये टूथपेस्ट उसको क्लीन करने में मदद करता है। आते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए पुरुष और महिला की आवाज़ की आवृत्ति के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो पुरुष और महिला दोनों की आवाज़, पुरुष की ध्वनि जो होती है जो निकलती है वो थोड़ा मोटी होती है, फटी हुई होती है, जबकि महिला की आवाज़ पतली होती है। तो उसका मुख्य अंतर होता है तारत्व, क्या होता है? तारत्व, जिसे पिच बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए ध्वनि का एक गुण है, क्या आंसर हो जाएगा? तारत्व ध्वनि का एक गुण है, अधिक तारत्व वाले पर आवृत्ति बढ़ती है और कम तारत्व होने पर घटती है, ठीक है। इसीलिए कम तारत्व पर क्या होती है? आवृत्ति घटती है, और इसीलिए क्या होता है, महिलाओं की आवाज़ थोड़ी पतली और सुरी होती है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि मनोज किसी मोड़ पर मोटरसाइकिल की दिशा के साथ साथ
गति भी बदलता है तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि कोई साइकिल ऐसे मुड़ाव पर जा रहा है और उसके साथ दिशा भी चेंज कर रहा है और उसका वेग भी, मतलब गति जिसे चाल बोलते हैं, अगर परिवर्तित कर रहा है तो उस पर क्या परिणाम होगा, तो इस प्रभाव होगा, तो इसका आंसर होगा चाल तथा दिशा दोनों बदलने पर वेग बदलेगा। बस इतना ही आंसर इसका है, एक नंबर का है तो इतना छोटे छोटे आंसर ही लिखने रहते हैं। तो इस तरीके से आप 6 नंबर सॉल्व कर लिया। 7वां नंबर का प्रश्न क्या है, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करें। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है जिसे पूरा करना है। CaCl2 क्या दिया हुआ है, CaCl2 और Na2SO4। तो हम क्या करेंगे, जिसे कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट इसको बोलते हैं, तो जब ये अभिक्रिया पूर्ण होगी तो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होगा, तो 2NaCl प्लस CaSO4 का फॉर्मेशन या निर्माण होगा। आगे दिया है, सार्वभौमिक संकेतांक से क्या तात्पर्य है समझाइए, प्राकृतिक संकेतांक के दो उदाहरण दीजिए। देखिए, सार्वभौमिक संकेतांक मतलब जिसे वैश्विक सूचक भी बोलते हैं, वैश्विक सूचक एक द्रव्य रूप का सूचक होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आता है। ठीक है, जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर, जो एसिड और बेस जो होता है जिससे संपर्क में आने पर अलग अलग रंग परिवर्तन दिखाता है। ठीक है, उदाहरण क्या है, दो उदाहरण देने हैं, तो एक है मेथिल ऑरेंज और फेनाप्थिलीन, ये दो उदाहरण हो गए। फिर प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 10 नंबर का है, इसमें भी केवल 5 करना है, जिसमें कि 5-6 उप प्रश्न दिए हुए हैं, केवल हमें 5 हल करना है, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, पहले एक जो है पैरा दिया हुआ है, इसमें किरण अपने माता पिता के साथ एक खाली नव निर्मित घर में जाती है। ठीक है, उनके साथ चर्चा करते हुए वह पूरी तरह से भ्रमित है, क्योंकि वह एक स्पष्ट तथा एक अस्पष्ट ध्वनि सुन नहीं सकती, इसलिए उसने अपने माता पिता से निम्नलिखित प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो उसने क्या, किरण ने कौन कौन से प्रश्न पूछे, पहला प्रश्न है कि इस घर में हमें मिश्रित अस्पष्ट और तेज आवाज क्यों सुनाई देती है। ठीक है, तो इसका उत्तर फ्रेंड हो जाएगा, यहाँ पर देखिए चूंकि ये प्रश्न 2 नंबर के लिए है तो थोड़ा सा हमें उस हिसाब से आंसर करना रहेगा, और इसका पूरा आंसर भी यही है कि ध्वनि तरंगों के बार बार परावर्तन होने के कारण ध्वनि तरंगे एकत्र होकर सतत अनुभव होने वाली ध्वनि निर्मित करती हैं। ठीक है, अगर घर खाली है, मकान खाली है, तो वो क्या होता है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन बहुत होता है, जिससे कि उसका लगातार हमें अनुभव होता है, जिससे ध्वनि के सातत्य का निर्माण होता है। दो ध्वनि तरंगों के लगातार आगमन की समयावधि कम हो जाती है, परंतु परावर्तित ध्वनि एक दूसरे में मिश्रित होने से अस्पष्ट और बढ़ी हुई तीव्रता की ध्वनि कमरे में निर्मित होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये यहाँ पर हो गया, इस तरीके का आंसर हो जाएगा, इसलिए उसे अस्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है। आगे बढ़ते हैं, इसी में दूसरा प्रश्न किरण पूछती है अपने माता पिता से, क्या पूछती है कि इस प्रकार की ध्वनि को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, ऐसी ध्वनि को अनुरणन या रिवर्ब्रेशन कहते हैं। अनुरणन का भी ये, इसको जो ध्वनि अस्पष्ट एक दूसरे से टकराकर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, अनुरणन। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 में दूसरा है कि मुझे पहचाने, मेरा रंग नीला है, मेरे शरीर में पानी की एक बूंद है, गर्म होने पर मैं इसे सफ़ेद पाउडर में बदल देता हूँ, अनुमान लगाओ कि मैं कौन हूँ, मेरा आणविक सूत्र क्या है। तो देखिए इसका आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का ये पूरा लक्षण होता है, और इसका सूत्र होता है CA ब्रैकेट में CLO ट्वाइस बार, ऐसे ब्रैकेट क्लोज करके 2 लिखते हैं, CA ब्रैकेट में CLO ट्वाइस, ये क्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, Cl से क्लोरीन होता है।
ठीक है। आगे देखिए तीसरा, इसी में दिया है तालिका पूर्ण करें। यहाँ पे देखिए एक तालिका बनाई हुई है जिसमें कुछ गैप दिए हुए हैं, तो इन सूत्रों का प्रयोग करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। जैसे कि ए का मान दिया है, टी का मान दिया है और यू का मान दिया है, यू ए और टी का मान दिया है, तो हमें वी का मान निकालना है, तो मैंने कैलकुलेट किया तो ये 25 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे यू का मान हमें निकालना है, इस यहाँ पे ए का मान वी का मान दिया है 16, यू का मान हमें निकालना है, ए का मान 1 दिया है और टी का मान 8 दिया है, इसी सूत्र से हम इसका मान निकालेंगे तो 8 आएगा। तो ये दोनों फिल की हुई जो है रिक्त स्थान भरे हुए 8 और 25। आगे देखिए वैज्ञानिक कारण बताएं। सोडियम की संयोजकता 1 है, मतलब क्या कारण है कि सोडियम की संयोजकता 1 होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सोडियम 11, जिसका अणुसूत्र के परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है, तो इसका जब हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कक्षा में भरेंगे इलेक्ट्रॉनों को, तो 2 8 और 1 होगा, 8 2 10 और 1 11 11 होगा, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं और तीसरे में भी 8 आते हैं, लेकिन यहाँ पे 11 ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 1 आएंगे। तो सोडियम की वाह्यतम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है, दूसरे में ही, निम्नलिखित चित्र को देखें और क्रमिक भागों का नाम पर नाम लिखें। जैसे यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक कोई मंच है, मंच पे कोई बैठ के संगीत गा रहा है और यहाँ पे चेयर पे कोई बैठकर संगीत सुन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका संगीत सुन रहा है तो ये पूरा हॉल खाली है, तो संगीत इस दीवार से टकरा के यहाँ तक कानों तक आती है, या इस दीवार से टकराती है, मतलब पूरे सभागार पूरे थिएटर में ये टकरा कर ध्वनि पहुँचती है। तो ये जो पहला पॉइंट है ये परावर्तित ध्वनि फील हो जाएगा, यहाँ पे रिक्त स्थान में भर देंगे परावर्तित ध्वनि। दूसरे स्थान पर आ जाएगा गायक, तीसरे पे सीधे आने वाली ध्वनि। ठीक है, ये ध्वनि जो ऐसे जा रही है ये सीधे है और ये ध्वनि जो ऐसे जा रही है ये परावर्तित है। उसके बाद चौथे पॉइंट पर होगा श्रोता, जो सुनने वाला है। तो इस तरीके से होगा, इसी को अनुरण बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, यही अनुरण होता है, इसके पहले जो प्रश्न में आया था उसके लिए ये बेहतर होगा समझने के लिए। फिर अगला प्रश्न आता है जिसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। ठीक है, ये 6वां उप प्रश्न है, इसकी विशेषता लिखिए। तो इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम क्लोराइड, देखिए इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम क्लोराइड इत्यादि का मिश्रण है, जो हृदय मस्तिष्क और किडनी को सुरक्षित रखने का काम करती है। इसमें देखिए इलेक्ट्रोलाइट शरीर को, इसकी विशेषता में क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइट शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसकी मदद से ही शरीर के मुख्य अंग अपना काम ठीक से कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां दिया है कि यौगिक KOH का रासायनिक नाम लिखें, इसके आणविक द्रव्यमान की गणना करें। देखिए KOH इसका रासायनिक नाम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका आणविक द्रव्यमान देखिए यहाँ पे K=39, O=16 और H=1 प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए KOH का जब द्रव्यमान निकालेंगे तो 39 × 16 × 1, चूँकि ये 39.01 कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे जितना प्रश्न में दिया उस हिसाब से जब हम हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 56 g/mol। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।